एक छोटी सी कहानी है कि एक नवयुवक किसी साधु के आश्रम गया। तो साधु का जो आश्रम था वो सीढ़ियां चढ़ करके वहां पहुंचते थे। तो जब वो नवयुवक सीढ़ियां चढ़ रहा था, नौजवान व्यक्ति, तो सीढ़ियों पर धमक के पैर रखता था, ठसक मार देता। महात्मा ने देखा उसको कि जवानी की अकड़ है। महात्मा को लगा कि मेरे पास आ रहा है, इतना अहंकार लेकर आ रहा है। जब तुम किसी साधु के पास में अहंकार लेकर जाते हो, कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, और जब अहंकार को फेंक कर जाते हो खाली होकर के, तो आशीर्वाद इतना मिलता है, फिर तुम भरे होकर लौटते हो, सब कुछ कृपा हो जाती है। वो नवयुवक बड़ी अकड़ से पूछा, कहाँ है महात्मा जी? बाबा जी से मिलने आए। बाबा के शिष्यों ने कहा, थोड़ा बैठो शांति से, पानी पी लो। अरे पानी वानी कुछ नहीं, सीधे मिला दो हम। अरे बोले बाबा ध्यान में है। अरे ध्यान बाद को करेंगे, पहले हम मिलेंगे। शिष्य ने जाकर बताया कि ऐसा नौजवान व्यक्ति आया है, बड़ी अकड़ से बोल रहा है। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आता हूं। महात्मा आए, महात्मा मिले। महात्मा ने कहा, थोड़ा रेखा दिखा दो। रेखा देखा, बोले अरे 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, सवेरे 5 बजे तेरी मृत्यु होगी। बस 7 दिन जो दुनिया में देखना देख ले, सुनना है सुन ले, करना है कर ले, 7 दिन बाद तू दुनिया में नहीं रहेगा, दुनिया तुझे भूल जाएगी, तू मृत्यु को प्राप्त होगा। उस नवयुवक का आधा नशा उतर गया और महात्मा से कहा कि महात्मा जी कृपा करो, कुछ उपाय है क्या जो ये मौत टल जाए? आप तो भगवान की भक्ति करते हो, महात्मा जी भगवान का ध्यान करते हो, तो मेरी मृत्यु नहीं टाल सकते? महात्मा ने कहा, सब टल सकता लेकिन मौत नहीं टल सकती, फिर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं टलेगी। बोले क्यों? बोले तुमने कभी कोई पुण्य नहीं किया है। जाओ रिश्तेदारों को मिल लो, मित्रों से मिल लो, अंतिम समय आने वाला है। वो नवयुवक जब वहां से चलता है, धीरे धीरे चाल में लौट रहा है, सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ करके उतरता है, उसको मौत दिख रही है कि अब कुछ बचा नहीं। उस नवयुवक उस नवयुवक की नस नस ढीली हो गई और नवयुवक चिंतित हो गया, दुखी हो गया। अब जिंदगी बचने वाली नहीं, क्या करूं? घर आया, खाट पर लेट गया, माँ बाप इकट्ठे हुए, पत्नी बच्चे सब, क्या हुआ? बोले बस 7 दिन देख लो मुझको, 7 दिन के बाद सुबह 5 बजे देखने को नहीं पाओ, बोल लो जितना बोलना है। सब रोने धोने लग गए कि क्या हुआ। रिश्तेदारों को खबर दी गई, वो बीमार हो गया, खाट पे लग गया। रिश्तेदार भी मिलने के लिए सब आ गए, मिल मिल कर क्रमशः जा रहा। कितने ही रिश्तेदार हो, कितने ही लोग हो, लेकिन आपको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। मृत्यु जगत का शाश्वत सत्य है और इस लोक का नाम मृत्युलोक है।
यहाँ पर जो जो जन्म लिया है सबकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, धनवान से धनवान, बुद्धू से बुद्धू, गरीब से गरीब, सब एक दिन संसार और शरीर और दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है इन हाथों से कुछ उपकार कर लो, परोपकार कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कर लो, कुछ धर्म कर लो, सत्संग समागम कर लो, भंडारा कर लो। कल यहां बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है, श्री अशोक जी की ओर से भंडारा, सब भक्तों का भंडारा। कहां है अशोक? खड़े हो, खड़े हो। आज इनका था, क्या नाम? पैक्स अध्यक्ष राम, राम इकबाल प्रसाद। आज इन्होंने भंडारा किया, ये बुद्धिमान लोग हैं, भंडारा कर लिया। अशोक जी का कल होगा, खूब माल छको। दो दिन, दो आदमी मिल गए, राम लक्ष्मण। विजय कुमार यादव की ओर से सुबह दही चूड़ा, दो दो किलो दही खाओ, तीन तीन किलो चूड़ा। अरे इतना मत खा लेना, नहीं तुम हॉस्पिटल जाओगे, प्रवचन कौन सुनेगा। इस कार्यक्रम में संपूर्ण ग्रामवासी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, अन्न से सेवा कर रहे हैं। बच्चे बूढ़े जवान, माताएं बहनें, सब सेवा में संलग्न है। व्यास गादी संपूर्ण ग्रामवासियों को धन्यवाद भी देती है और सबको आशीर्वाद देती है कि धन्य है तुम्हारी जिंदगी जो सेवा में तुमने लगाया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और जो सेवा करता है उसके लिए याद रखना, नरक भी स्वर्ग बन जाता है, नरक भी स्वर्ग बन जाता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था, विभीषण ने राम की भक्ति किया था, शिवरी ने बेर खिलाकर भगवान की सेवा किया था। सेवा मनुष्य जाति की धरोहर है, सेवा नारियों का सम्मान है, सेवा पुरुषों की दौलत है, और सेवा मोक्ष की सीढ़ी है, और सेवा अगले जन्म को शुभ बनाने का फार्मूला है। इसलिए सेवा करना चाहिए। ये हजारों पवित्र आत्माएं एकत्र हुई हैं, इनकी सेवा करना 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है। ये तो सब गुरु के प्रवचन सुनने आए हैं, और इनकी जो सेवा कर लेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा, जन्म जन्म सुधर जाएगा, बहुत सुख मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और सुख शांति भी घर में आएगी, क्योंकि इतने सत्संगी भाइयों बहनों की सेवा करने का अवसर ऐसे थोड़े नहीं। ये तो कार्यक्रम है, इसलिए सब लोग आए हैं, अन्यथा कैसे इकट्ठा हो पाते, नहीं आ पाते। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह करूं। हे गुरुदेव, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी मैं भक्ति करूं, आपसे जो प्रेम करते उनसे मैं प्रेम करूं, जो आपका ध्यान करते उनका मैं ध्यान करूं, और आपकी जो सेवा करते हैं उनकी मैं सेवा करूं, और भव सागर से तर जाऊं। भक्तों की भक्ति है। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा,
तिरचाहने वालों को चाहा करूं, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, भरी लोचन की गगरी नित ही। हरि लोचन की गगरी नित ही। नित पाऊं तुम्हारे पखारा करूं, मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो। 7 दिन बीतने के बाद सवेरे 5 बजे जब टाइम आने वाला था, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया उस नवयुवक का, घर में रोना धोना पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा बीमारी तो पता नहीं चलती है पर मरीज बचने वाला था। वो महात्मा ठीक 4:45 बजे सब भीड़ को छांटते हुए अंदर जाता है और महात्मा ने कहा कि क्या हुआ। बोले गुरुदेव आपकी दुआ जो नहीं होना था वो हुआ। मेरे घर का नौजवान मरने जा रहा, महात्मा ने कहा। कमंडल से जल निकाला, उस नवयुवक के ऊपर छिड़क दिया, मस्तक पर अंगुलियां स्पर्श की, आंख खोलता है नवयुवक, उठकर बैठ जाता है। महात्मा ने कहा हाथ की रेखा दिखा दे। रेखा दिखाया, महात्मा ने कहा कि तेरी रेखा बदल चुकी है, अब तू 30 वर्ष और जिंदा रहेगा, अब नहीं मरेगा। तो कैसे बदली, नवयुवक के चेहरे पर चमक आ गई, घर के लोगों में मुस्कान आ गई। नवयुवक तुरंत उठकर खड़ा हुआ, महात्मा के पैर छुआ, 30 वर्ष और। बोले हाँ, नवयुवक ने पूछा महात्मा जी कैसे उम्र बढ़ गई। बोले 7 दिन जो तेरी मौत का इंतजार तूने किया है इसमें तुझे बहुत ग्लानी हुई है, दुख हुआ है और सभी से तू प्रेम से मिल लिया है। रोज तेरे ध्यान में मैं आता था और तू मन में सोचता था मरकर जन्म लूंगा तो अगले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करूंगा। ये तेरी अच्छी सोच और 7 दिनों में जो तूने दान पुण्य किया है, गौशाला के लिए दान भेजा है, भेजा कि नहीं भेजा। बोले भेजवाया हूं। और ये 7 दिनों में जो अपने माता पिता के भी खूब पैर छुए हैं तूने, और 7 दिनों में जो तूने अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम किया है, बच्चों से भी प्रेम किया है, तूने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दिया है, तेरा मन प्रेम का सागर बन गया है, उसी पुण्य से तेरी उम्र 30 वर्ष बढ़ गई है, अब तू 30 वर्ष जिंदा रहे। महात्मा कहता है अब अहंकार मत करना, अहंकार करने से भी आयु कम हो जाती है।